गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चीज़ों को देखा था। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में बताया था। मैंने कहा था उसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे जब मैं इनवर्स लाप्लास भी बता दूंगा तब। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपकी टॉपिक कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और उसके बाद देखेंगे जो आपका कैलकुलेशन कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो अगर आपको याद है कल मैंने आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बताया था कि सपोज करते हैं इफ इफ लाप्लास ऑफ f1x इज इक्वल टू f1s एंड f2s इट इज इक्वल टू f2s, तो करवाया था देयरफॉर लाप्लास ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू t f1x, ये f1 t है, f2 t है, ठीक है, इंटू f2 t माइनस x ds बराबर होता है आपका f1s इंटू f2s। देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ऑफ f1s इंटू f2s बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 to t f1x इंटू f2 t माइनस x, ये होता है। तो आज इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/1 में s इन द ब्रैकेट s² + a²। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो अगर आपको पता है लाप्लास ऑफ 1/s क्या होता है आपका, 1/s इज 1, क्योंकि t की पावर 1 - 1 0, 1 में फैक्टोरियल 1, सो दिस वन। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/1 में s² + a² इज इक्वल टू 1/a sin 80। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ आप कन्वर्जेशन थ्योरम में आप लगा सकते हैं, इट इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रल ओवर 0 to t, राइट, 0 to t क्या होता है f1x आपका क्या है, f1x इंटू f2 t - x, राइट। सो f1x इज नथिंग बट योर 1, एंड f2x तो 1/a इंटू साइन ए इंटू t - x dx। कैसे किया मैंने इस चीज को, देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा था आपका, तो यहाँ पे आपका f1x आपका हो गया 1 के बराबर, f2x हो गया आपका sin 1/a sin 80, वहां पे f2 t - x लिखना था तो t - x मान लेते हैं, हम उसको इंटीग्रेट कर दिए, सिंपल सी चीज है। ठीक क्या हो जाएगा, 1/a कॉमन, sin 80 - x का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस ए इन द ब्रैकेट t - x होल डिवाइडेड बाई वॉट, माइनस ऑफ ए, ये आ गया हाँ माइनस ऑफ ए 0 to t। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी, नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/a² इन द ब्रैकेट कॉस ऑफ ए इन द ब्रैकेट t - x 0 to t। 0 to t करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, -0 करेंगे तो cos 80 आ जाएगा, तो 1 - cos 80 दैट इज योर आंसर। क्लियर है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपकी क्लास के लिए आज की, फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+1 इंटू s² + 1 सोल्यूशन। मुझे बताओ लाप्लास ऑफ 1/s+1 क्या होता है, 1/s+1 क्या हो जाएगा आपको बता दो, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1 क्या हो जाएगा। दोनों की वैल्यू, दोनों को आप एक एक फंक्शन मान लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, राइट, ये करोगे आप, ठीक है। और लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी क्या होता है, लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी क्या होता है, 1/s - a, राइट। सो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर -t, और ये हो जाएगा आपका sin t, राइट राइट, यही होगा, दोनों का इनवर्स यही होगा। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ से आपका f1x आपका क्या है, e की पावर -x, एंड f2x है आपका sin x, राइट, इसको आप x के फॉर्म में लिखना, तो sin ax लिखते हैं, सिंपल, ठीक है ठीक है। सो अब आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s इंटू f2s, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to t f1x f2 t - x dx।
चलिए सॉल्व कर दीजिए, व्हाट इज एफ वन एक्स, इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स। अब मुझे बता दो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। इट इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। राइट, उठा के सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ, कलर चेंज कर दिया मैंने, सो इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन का स्क्वायर। और या एक काम आप कर सकते हैं, टी माइनस एक्स को कुछ मान लें तो क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में लिख सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो आप बाई पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। राइट, ठीक है, तो एक काम करिए, एक काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो इसको आप लिख सकते हो, लेट टी माइनस एक्स इज इक्वल टू यू, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। सो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टी माइनस यू हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 0 टी, जब एक्स की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0, सॉरी, जब एक्स की वैल्यू 0, टी की वैल्यू यू, 0 to t माइनस ऑफ e की पावर माइनस टी माइनस यू साइन यू डी यू। अब मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 0 to u माइनस माइनस प्लस बन जाएगा e की पावर माइनस टी इंटू e की पावर यू इंटू साइन यू डी यू। राइट, e की पावर माइनस टी कॉन्स्टेंट है, माइनस टी बाहर आ जाएगा आपका, e की पावर माइनस टी बाहर आ जाएगा, वो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to u e की पावर u साइन u डी यू। अब इंटीग्रल निकाल दीजिए सिंपल से, तो ये हो गया e की पावर माइनस टी e की पावर u अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन द ब्रैकेट साइन u माइनस कॉस u। वैल्यू पुट अप करिए 0 to u, जैसे आप पुट अप करेंगे e की पावर माइनस टी इन द ब्रैकेट e की पावर u बाई टू। अच्छा, u की वैल्यू क्या है, ये है क्या, रेट यही आएगा, सही कर रहा ना मैं इंटीग्रेशन, राइट, सही है। 1 मिनट, आंसर टी के टर्म में आना चाहिए ना आपका, राइट, आंसर तो टी के टर्म में आना चाहिए, टी के टर्म में लाना है ना हमें, तो या तो साइन टी, सही लिखना है, ई की पावर माइनस एक्स साइन टी माइनस एक्स सही हो जाएगा। राइट, ठीक है, सो इट इज नथिंग बट, मैंने एक्स इक्वल टू टी माइनस यू पुट अप कर दिया, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी माइनस डी यू हो गया, माइनस माइनस प्लस बना दिया। अभी आपने ई की पावर माइनस टी ई की पावर यू, ई की पावर यू साइन यू, सही तो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत लिख दी ना, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ टी आएगा ना, सॉरी टी आएगा। अच्छा, ये लिमिट मैंने कर बोला, जब 0 to t, 0 to t, अभी टी पुट अप करना है, तो ये हो गया ई की पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी माइनस ई की पावर टी अपॉन में 2 sin 0 0 माइनस 1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इट इज नथिंग बट, देखिए इट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1 बाई ई की पावर माइनस टी, पहले से कॉमन था बाहर, ई की पावर टी बाई टू इंटू साइन टी माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस ई की पावर टी बाई टू। तो ई की पावर टी से ई की पावर टी कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ई की पावर यू अगर आपने पहले ऊपर, ई की पावर 0 हो जाएगा ना, ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 होता, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है आपका। राइट, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, सो प्लस 1/2, ब्रैकेट को खोल दीजिए, अब सही हो जाएगा आपका साइन टी माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, साइन यू,
साइन टी माइनस कॉस टी बाई टू प्लस ई की पावर माइनस टी बाई टू इज योर आंसर। क्लियर है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आया? चलिए अगर एक क्लियर, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप इसी के ऊपर, आज की क्लास के क्वेश्चन में थर्ड, किस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम आपके क्वेश्चंस को कितना इजी वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्यूशन। चलो तो लाप्लास इनवर्स को ही मुझे बता दे, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इट इज नथिंग बट कॉस 80। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में सॉरी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी टी। तो मैं लिख सकता हूँ एफ वन एक्स आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स, एफ टू ए टी माइनस एक्स आपको लिखना होता तो वो लिख दिया मैंने कॉस ए इन द ब्रैकेट टी माइनस एक्स, राइट। सो मैं लिख सकता हूँ लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to t कॉस ए एक्स इंटू कॉस ऑफ ए इन द ब्रैकेट टी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। बोलो यही होगा, कॉस ए कॉस बी हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू, मैंने वो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें तो 1/2 इन द ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 कॉस ए कॉस बी आएगा कॉस ए प्लस बी तो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी टी माइनस बी एक्स और प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा माइनस बी टी प्लस बी एक्स टोटल पे डी एक्स, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2 इन द ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ 0 to t कॉस में ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी टी प्लस कॉस में ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी टी होल पे डी एक्स लगाना है आपको। चलो इंटीग्रेट कर दीजिए, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट कॉस का इंटीग्रल होता है साइन ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी टी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस साइन में ए प्लस बी एक्स माइनस बी टी और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका आ जाएगा ए प्लस बी। जैसे आप टी 0 to t रखोगे, ठीक है, 0 to t आपने पुटअप किया तो 0 to t आप पुटअप करोगे तो पहले वाले टर्म से जो बनेगा 0 to t से बनेगा। तो पहले आपने वैल्यू पुटअप करी, पहले वाले में आएगा साइन, आप जब टी रखोगे देखो बी टी बी टी कट जाएगा साइन ए टी बच जाएगा साइन ए टी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे भी ए टी आएगा तो प्लस साइन ए टी डिवाइडेड बाई, अच्छा नहीं सॉरी एक में अलग अलग फैक्टर अलग अलग है ना दोनों का, चलिए तो एक में ए माइनस बी है तो 1/2 कॉमन, एक में आएगा साइन ए टी डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस साइन बी टी सॉरी साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, फिर माइनस लगाया आपने जब 0 पुटअप करोगे बी टी और माइनस साइन बी टी, साइन बी टी माइनस साइन बी टी राइट, तो 0 हो जाएगा राइट, वही तो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन बी टी आएगा यहाँ पे प्लस साइन ऑफ माइनस बी टी माइनस साइन बी टी साइन बी टी साइन बी टी खत्म हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। सो इट इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट, अभी आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया तो यहाँ हो जाएगा ए साइन ए टी और प्लस प्लस नहीं एलसीएम आपने ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस बी साइन बी टी, दिस इज विल बी योर आंसर। बोलो समझ में आया कैसे आपको कन्वोलेशन थ्योरम से आप कैसे कभी भी दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे, किसी तरह का कोई भी डाउट, किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट क्लियर है चाहिए, समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का जो किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका लाप्लास है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो उनका लाप्लास निकाल सकते हो, क्लियर है समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1/s² माइनस 1/s² माइनस ए स्क्वायर सॉल्यूशन।
मुझे बताइए लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² क्या हो जाएगा। टी की पावर 2-1 अपॉन में 2-1 का फैक्टोरियल, सो इट इज टी। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में s² - a² व्हाट विल बी दिस वन। s² - a² इट इज 1/a sin hyperbolic at, राइट। ये होता है क्या, सो इट इज 1/a sin hyperbolic at। ठीक है, तो f1x आपका हो गया f2t - x हो जाएगा 1/a sin hyperbolic at - x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। सो मैं लिख सकता हूँ यहां से, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में s² - a² इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to t f1x इंटू f2x 1/a कॉमन sin hyperbolic at - x dx। आप t - x को कुछ मान लो, u मान लिया, सो dx इज इक्वल टू -du। सो जैसे आप वैल्यू पुट अप करोगे 1/a, टी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 0 चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, वी हो जाएगा आपका t - u sin hyperbolic au du। माइनस आप लिमिट को चेंज कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/a 0 to t वी हो गया t - u sin hyperbolic au du। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 0 to t तो हो जाएगा t sin hyperbolic au - u sin hyperbolic au। सो डी सॉरी, सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट 1/a इन द ब्रैकेट, इसका इंटीग्रल हो जाएगा t - cos hyperbolic au अपॉन में cos hyperbolic au अपॉन में, बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत, सिंस ये यू तो था नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अब इसमें आपको क्या करना होगा, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ आई लिट मेथड से करना पड़ेगा इसमें, राइट। सो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है फिर माइनस ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डी, तो माइनस यू इंटू माइनस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए यू अपॉन में ए, माइनस माइनस प्लस बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक ए यू का मैं सीधे लिखता हूँ, अब यहाँ से ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए यू डिवाइडेड बाई a² 0 to t वैल्यू पुट अप करनी है, राइट। बोलो यहाँ तक यही होगा क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी समझने में। मैंने इंटीग्रेशन फटाक से सॉल्व कर दिया पाई पाई पार्ट लगा के, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप कर दी, सो इट इज इक्वल टू 1/a इन द ब्रैकेट, जब आप t पुट अप करोगे तो साइन हाइपरबोलिक ए टी जगह -t cos hyperbolic at / a, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका t cos hyperbolic at / a, फिर प्लस sin hyperbolic at / a². अब जब 0 पुट अप करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो यहाँ से जाएगा आपका 1 - -+1, ये 0 ये खत्म हो जाएगा आपका, राइट। तो ये सही है, कट गया, बोलो सही है, बोलो सही है क्या, या कहीं कुछ गड़बड़ हुआ। सही है ना, राइट। सो या कहीं कुछ कुछ छूट तो नहीं रहा, देख लो एक बार। a³ मिल रहा है यहाँ से, देख लो एक बार, t - u आपने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक ए यू लिख दिया, -u sin cos hyperbolic u अपॉन में a, -u इंट साइन हाइपरबोलिक ए यू का cos हो गया, फिर ये आया माइनस माइनस प्लस बनाएगा, du/du1 साइन हाइपर cos हाइपरबोलिक आएगा, cos है तो a² कर दिया, ठीक है। t पुटअप किया, टाइम -t, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं होगा ना, सॉरी सॉरी, ये 1 नहीं होगा, सही कर लो। जब आप 0 पुट अप करोगे तो cos 0 1 हो जाता है, तो -a/t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t/a यहाँ पे बचेगा,
राइट। तो पूरे में से मैं अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1/a³ कॉमन, राइट, 1/a³ कॉमन आपको मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या 1/a³ कॉमन, और 1/a³ कॉमन वन बाई ए क्यूब, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, खींच लिया बाहर, तो ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक 80 प्लस 80। साइन वगैरह देख लो, साइन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, माइनस होगा यहाँ पे, एक माइनस साइन आएगा ना, ठीक है ये माइनस रहेगा माइनस, ठीक है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है चीज? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप कन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से आप इनवर्स लाप्लास को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है? कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए गेट में कर सकते हो अभी आप, ठीक है। चलिए, सो अब आपकी कैलकुलस की लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाई लाप्लास। देखिए इसका फायदा क्या है लाप्लास का यूज करने से, अगर आपको याद है जब आप वहां पे करते थे तो आपको एक क्या मिलता था, आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता था, फिर आप उसको हटाते थे। अब यहाँ पे लाप्लास से क्या फायदा होगा, आपको जनरल सोल्यूशन निकालने की नहीं जरूरत है, सीधे आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सोल्यूशन ही मिलेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, वाई डबल डैश को आप लिखते हो लाप्लास के फॉर्म में, जब आप लाप्लास लोगे लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश इट इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई डैश माइनस एस ऑफ वाई जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो होता है। सिमिलर किसी ने आपसे पूछा लाप्लास ऑफ वाई डैश क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ वाई डैश विल बी इक्वल टू एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो। लाप्लास ऑफ वाई किसी ने पूछा तो लाप्लास ऑफ वाई इज वाई बार, ठीक है कोई दिक्कत, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ठीक है। तो इन्हीं रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, वाई डबल डैश माइनस फोर वाई डैश प्लस 4y इक्वल टू 64 sin 2t। आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, आपको इसका सोल्यूशन निकालना उससे भी आता है, पहले आप क्या करोगे इसका CF निकालोगे, फिर PI निकालोगे, फिर आप जनरल सोल्यूशन लिखोगे, फिर एक बाउंड्री कंडीशन दिया होगा उसके बेसिस पर तो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में आपको वाई जीरो दिया है 1 0 के बराबर, वाई डैश 0 दिया है 1 के बराबर। चलिए तो हम करेंगे यूजिंग लाप्लास, आप लिख सकते हो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इट इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 64 sin 2t। तो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश क्या दिखाया मैंने, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस ऑफ वाई जीरो और माइनस वाई डैश जीरो, फिर माइनस 4 कॉमन। लाप्लास ऑफ वाई डैश क्या होता है, एस वाई बार माइनस वाई जीरो फिर 4 वाई बार। sin 4t का क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट इट इज इक्वल टू ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है 2 2 4, यही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू नथिंग बट, इट इज इक्वल टू नथिंग बट, अब देखिए वाई जीरो की वैल्यू दे रखी है 0, वाई डैश 0 दिया, वन सब वैल्यू पुटअप करना शुरू करिए, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर वाई बार, यहाँ आपने पुटअप किया 0 खत्म हो गया, यहाँ हो गया -1, तो एस स्क्वायर वाई बार -1 पहला टर्म हो गया आपका। दूसरा टर्म है माइनस एस वाई बार एस इंटू वाई बार, वाई बार वाई बार रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो माइनस फोर एस वाई बार, वाई बार 0, वाई 0 0 है खत्म हो गया, 4 वाई बार वैसे ही रहेगा, प्लस 4 वाई बार प्लस 4 वाई बार, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 128 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4s प्लस 4 इंटू वाई बार माइनस 1 इट इज इक्वल टू 128 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, और एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 इंटू वाई बार इट इज इक्वल टू 128 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ किसी को भी, और यहाँ से आप इसको आप लिख सकते हो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एस माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई बार इट इज इक्वल टू 128 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज व्हाट इज वाई बार, वाई बार इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन में एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 128 डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4।
सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 128 डिवाइडेड बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। अब लाप्लास इनवर्स निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, अब बताओ मुझे 1 बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, अब तरीका क्या है आपको उसको सॉल्व करने का, ये तो हो जाएगा 1 बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? कुछ नहीं लगा सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस 4 के लिए लगा सकते हैं, बट इसके लिए कुछ नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको बाई पार्सल फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं। पार्सल फ्रैक्शन निकालना आपको आता है? पार्सल फ्रैक्शन निकालना कैसे होगा बता दो। पार्सल फ्रैक्शन इस केस में क्या होगा, इट इज नथिंग बट इस केस में अगर आपको पार्सल फ्रैक्शन लिखना है, मैं देखो पार्सल फ्रैक्शन लिख के दिखा देता हूँ ग्रीन कलर से। पार्सल फ्रैक्शन के रूप में लिखूँ अगर 128 अपॉन में एस माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, इट विल बी इक्वल टू ए अपॉन में एस माइनस टू प्लस बी अपॉन में एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4। सो नाउ इट इज कन्वर्टेड एज एस माइनस टू इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी इन द ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी इन द ब्रैकेट एस माइनस टू का होल स्क्वायर। नाउ व्हेन एस इज इक्वल टू टू, व्हेन एस इज इक्वल टू टू, अब आप ए बी सी निकालिए। व्हेन एस इज इक्वल टू टू दैट इज विल बी इक्वल टू 128। मैंने दोनों साइड एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन बना लिए, जब एस इक्वल टू टू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा आपका बी। एन एस इज इक्वल टू टू बी इन द ब्रैकेट 2 2 का 4, इट इज इक्वल टू 128। सो बी इज इक्वल टू 128 बाई 8, 8 1 जा 8, 48, 8 6 जा 48, सो 16। तो बी तो हो गया आपका 16। अच्छा, अभी क्या करें, और कुछ कर सकते हैं हम? जैसे इक्वल टू टू रखते हैं सब 0 ही हो जाएगा, और कोई तरीके का नहीं है। अब आपको ए बी ए सी और डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप कंपैरिजन करो कोफिशियंट का, एस क्यूब के कोफिशियंट उठा लो, यहाँ पे आपको एक एक्स क्यूब मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एक एक्स क्यूब मिलेगा, तो ए प्लस सी क्या आएगा आपका, 0 आएगा। सो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी बराबर 0, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ओके ओके, अगर आप कॉन्स्टेंट्स को लेके चलो तो देखो यहाँ से एक कांस्टेंट आपको मिलेगा माइनस टू इंटू माइनस फोर माइनस एट माइनस एट ए माइनस एट ए, यहाँ से मिलेगा आपको प्लस 4b। अच्छा, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कांस्टेंट एक मिलेगा 2 2 जा 4 माइनस 4 के साथ, सॉरी प्लस 4 के साथ d, प्लस 4d बराबर 0। एक और टर्म आपको चाहिए होगा, एक टर्म और कौन सा ले लो आप, अभी आपने एस क्यूब लिया ना। आप एक काम करो, सो अगर आप अगला एक और टर्म ले लें, अगर हम यहाँ से हैं, सो ए की वैल्यू तो माइनस सी के बराबर आ गई। सी और डी में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, सी और डी के लिए हम कौन सा टर्म लें, इसमें एस क्यूब आएगा, एस स्क्वायर आएगा, एस आएगा, वो आएगा, सब आएगा। तो एक काम करते हैं, हम आपका एस स्क्वायर वाला टर्म उठा लेते हैं जिससे आपको रिलेशन मिल जाए। एस स्क्वायर वाले टर्म में अगर आप चलोगे तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, जरा देखो। एस 4s आएगा, माइनस 2s स्क्वायर मिलेगा आपको, माइनस 2s, तो माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a, बी में आपको एस स्क्वायर मिल रहा है वो प्लस 1 या प्लस बी। अच्छा, अभी हम एस स्क्वायर यहाँ से देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा एस स्क्वायर सी एस क्यू डी एस स्क्वायर मिलेगा, राइट। डी एस स्क्वायर के साथ एक टर्म मिलेगा, क्योंकि एस माइनस टू का होल स्क्वायर होगा एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s, तो आपको मिल गया, एक तो आपको मिल गया डी के साथ, तो प्लस डी, और एक सी के साथ भी मिलेगा, राइट। सी के साथ क्या मिलेगा आपको, जरा देखो यहाँ से, सी के साथ आपको मिलेगा माइनस 2c, वो भी 0 होगा, ठीक है। तो जरा यहाँ सारे वैल्यू उठा कर रखिए, ए की वैल्यू माइनस सी के बराबर, तो ए की वैल्यू माइनस सी के बराबर करेंगे तो बी प्लस डी
ए प्लस बी प्लस डी, और ये हो जाएगा -2c, और ये हो जाएगा प्लस सी, -2c माइनस माइनस, क्यों बी प्लस डी 0 आ रहा है क्या? सर टर्मिनोलॉजी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो ब्रैकेट को ओपन ही कर लेते हैं, काम करते हैं ताकि बाकी कॉन्स्टेंट्स में निकालने में ईजी रहे हमारे लिए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए इन द ब्रैकेट, ये हो गया एस क्यूब प्लस 4s माइनस 2s² माइनस 8 प्लस बी इन द ब्रैकेट s² प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी इन द ब्रैकेट s² प्लस 4 माइनस 2 2 4s होगा। हाँ ठीक है, 4s वाला वही लास्ट टर्म गड़बड़ लिख दिया था मैंने, दैट इज इक्वल टू 128। तो एक तो आपको मिल रहा है a प्लस सी बराबर 0, सो a इक्वल टू माइनस सी यहाँ से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे गए, एक आपको एस स्क्वायर वाले टर्म को ले लो, तो -2a प्लस बी प्लस डी -4c बराबर 0। तो यहाँ पे सी पुट अप करो जरा, तो ये हो जाएगा 2c प्लस बी प्लस डी -4c बराबर 0, सो बी प्लस डी -2c बराबर 0। एक इक्वेशन 2a मिल गई। अच्छा एक और, एक अब कॉन्स्टेंट वाले उठा लो, तो -8a और ये हो गया प्लस 4b और फिर हो गया -4d, सॉरी 4d नहीं है प्लस 4d बराबर 0। दोनों इसमें b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी आई थी, 16 आई थी, सो d -2c इज इक्वल टू -16 इक्वेशन 3। यहाँ से आपको ने इसको लिखा 8c प्लस 4 इंटू 16 -4d बराबर 0, तो 8c -4d बराबर ये हो जाएगा 16 4 64। आप जो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो जरा देखो, d की वैल्यू अगर आप 0 पुट अप कर दो सॉल्व हो जाएगा, तो d इक्वल टू 0 आ रहा है और c की बराबर कितना आ रहा है, c की वैल्यू 8 आ रही है, तो a की वैल्यू -8 हो जाएगी। चलिए सारा वैल्यू जो आ गया उठा के डाल दीजिए अपने वाले, ए मेन इक्वेशन आपकी ये थी। सो यहाँ से आपको मिल रहा है देयर फोर वाई इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, पहला टर्म आया 1/1 में एस माइनस टू का होल स्क्वायर, दूसरा आ गया -8/1 में एस माइनस टू, फिर बी आया था 16/1 में एस माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8s/1 में एस स्क्वायर प्लस 4। अब तो बहुत सिंपल सा हो गया, सॉल्व कर दीजिए। अब इसको लाप्लास इनवर्स निकालना है तो और कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, अब चलो तो इन दोनों को एक साथ कर सकते हो, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये दोनों मैं एक साथ लिख लेता हूँ, इसका लिखता हूँ -8 जगह ई की पावर माइनस सॉरी ई की पावर 2t प्लस 17s-2 का होल स्क्वायर के लिए आप लिखोगे टी इंटू ई की पावर 2t, फिर इसके लिए लिखोगे 8 और ये क्या है आपका कॉस वाला, तो cos 2t। देखिए लाप्लास से आपने तुरंत क्या किया, बिना इनिशियल बाउंड्री प्रॉब्लम लगाए, पहले हमने उसने क्या करते थे, आप पहले जनरल सोल्यूशन निकालते थे, फिर आप क्या करते थे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को सॉल्व करते थे, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को रिमूव करने के लिए आप कंडीशन अप्लाई करते थे, तब आपको पूरा सोल्यूशन मिलता था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल गया, क्लियर है चीज, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो सिंपल सा होगा, इसमें तो आपको पार्सल की वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व वाई डबल डैश प्लस 25y इट इज इक्वल टू 10 cos 5t। कंडीशन दिया है वाई 0 की वैल्यू 2 दी है एंड वाई डैश 0 0 दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए कर देते हैं। तो जगह लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस 25y लाप्लास ऑफ 10 cos 5t, इसको आप लिख सकते हो लाप्लास ऑफ वाई डैश 0 क्या हो जाएगा एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस ऑफ वाई 0 माइनस वाई डैश 0, अगला टर्म है प्लस 25y बार इज इक्वल टू 10 इंटू cos 5t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा लाप्लास हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 25। सो वैल्यू पुट अप करो, वाई बार 0, वाई 0 क्या है 2 है, वाई डैश 0 0 है, तो खत्म हो गया। तो एस स्क्वायर वाई बार -2s प्लस 25y बार इज इक्वल टू 10s/1 में एस स्क्वायर प्लस 25, तो मैं लिख सकता हूँ वाई बार कॉमन एस स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 10s/1 में एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2s, कोई दिक्कत यहाँ तक? सो मैं और इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो वाई बार इज इक्वल टू 2s/1 में एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10s/1 में एस स्क्वायर प्लस 25।
राइट, सॉल्व करना है इसको, ठीक है, चलिए कर दीजिए। सो वाई इक्वल टू वाट, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये है आपका कॉस 80 वाला फॉर्मूला, तो जाएगा कॉस 50। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, लाप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ माइनस 5 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट इट इज कमिंग आउट टू बी 2 cos 5t, बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, t sin 5t। फाइनल इज योर आंसर, क्लियर है, कर लोगे क्वेश्चन को सॉल्व इजीली, कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो किसी भी क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस टॉपिक पे। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी टॉपिक पे, इसमें थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा। d2y/dt² प्लस 2dy/dt प्लस 2y = 5 sin t। कंडीशन दे रखी है उन्होंने, y0 = y′0 = 0 दे रखा है, गेट 15 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व करते, लाप्लास लेके करता हूँ। s²y(-s y0 - y′0) पहले वाले टर्म का हो गया, प्लस 2 in the bracket (sy²-y0) + 2y(+2y)² इट इक्वल टू 5 sin t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सॉरी वो क्या हो जाएगा, लाप्लास हो जाएगा 1 upon s² + 1 × 1/1, तो 1 ही रहेगा। सो इट इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुटअप करिए, वाई जीरो ये सब 0 0 है, तो हो गया s²y(+2sy²+2y)² इट इज इक्वल टू 5 upon s² + 1, वाई बार कॉमन सब में से, सो दिस इम्प्लाइज वाई बार कॉमन s² प्लस फिर आ रहा आपका 2s + 2 बराबर 5 upon s² + 1, राइट। दिस इम्प्लाइज वाई बार इज इक्वल टू, फिर से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लाप्लास सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो लगाना पड़ेगा। चलिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन कलर चेंज किया, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, 5 upon s² + 1 × s² + 2s + 2, राइट। सो इट इज इक्वल टू हो जाएगा a(s+b)/s²+1 + cs+d/s²+2s+2, तो इट इज इक्वल टू नथिंग बट a(s+b), तो s²+2s+2 + cs+d × s²+1। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आपको पार्शियल डिफरेंशियल में सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ाया हुआ है, इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a²+2as²+2bs+2b+2b+cs³+cs+ds²+d। कंपेरिजन करिए नेक्स्ट पेज पे चल के, एस क्यूब वाले कोफिशिएंट को ले लीजिए, तो a + c की वैल्यू 0 है। चलिए s² के कोफिशिएंट को लीजिए, 2a + b + d, ये भी 0 है क्योंकि उधर भी कोई टर्म है नहीं। चलिए s वाले टर्म ले लीजिए, 2a + 2b + 2b + 2b + c, ये भी 0 है, राइट। आप कांस्टेंट टर्म ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म आपका सिर्फ d दिया है, कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है देख लो, अच्छा 2b और d है, तो 2b + d है, 2b + d आपका 5 हो गया, ठीक है। सो a की वैल्यू -c के बराबर है, a की वैल्यू -c के बराबर है,
और 2b की वैल्यू आपकी 5 माइनस d है, दोनों में उठा के इस इक्वेशन में डाल दो तो आपको दो टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है जरा देखिए, आप जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, बट गेट में तो आपका कैलकुलेटर आउट नहीं हो, चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं उसी तरह से। तो -2c +5 -d +d = 0, d से d गया, सो -2c +5 = 0, सही कर रहे ना। कॉन्स्टेंट्स को एक बार चेक कर लीजिए वापस, a²³ +2a²+2as +bs² +2bs +2bcs² cs+ds² +d। s³ के क्वेश्चन को लिखा आपने a +c, s² में है 2a+b+d, फिर है आपका 2a+2b+c, 2b+c। अच्छा मैंने एक चीज देखा नहीं, यहाँ पे बाई 2b तो होगा, इसकी वैल्यू पुट अप कर रहे हैं आप, 2a की वैल्यू हो गई आपने रखी -2c, प्लस बी की वैल्यू हो गई 5 - d/2 +d = 0, राइट। तो जगह -4c +5 - d +2d = 0, तो यहाँ से आपको मिल रहा है d-4c इक्वल टू -5, एक इक्वेशन ये मिल गई। सिमिलरली इस वाले में डालेंगे तो ये हो जाएगा -2c +5 - d +c = 0, तो ये हमसे हो रहा है -c - d +5 = 0, और c+d = 5, ठीक है, और d-4c = -5। तो अगर आप ऊपर वाले में से नीचे घटा दें तो आपके पास क्वेश्चन है -4c+d = -5 एंड c+d = 5, सो माइनस किया तो मेरा -5c = -10, माइनस माइनस कैंसिल, और c इज इक्वल टू आ गया आपका 2, c 2 आ गया तो d कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, d c 2 हो गया, d 3 हो गया, तो b कितना हो गया आपका, यहाँ से b हो गया आपका 5 - 3 2 1 आ गया, एंड a क्या हो गया आपका -2 हो गया। सो आप सारी वैल्यूज उठा के रख सकते हैं यहाँ से, सॉरी आप PTO कर दीजिए, एक्स्ट्रा बीच में एडअप हो गया। चलिए सो यहाँ से आ रहा था देयर फॉर वाई बार इज इक्वल टू, आपने जो टर्म लिखा था वो लिखा था 5 अपॉन में दिस वन, तो आपने as+b, तो a की वैल्यू आपको आ गई -2s, b की वैल्यू आ गई 1 + s²+1, फिर आपने cs+d लिखा था, cs है 2s+3 / s²+2s+2, आप इसको सॉल्व करना है, सो y इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ -2s+1 / s²+1 और प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s+3 / s²+2s+2। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व आप कर सकते हो, राइट ये करना है आपको, सही है। सो ये तो सिंपल सा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ इसको लिखोगे 2s / -2s / s²+1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 / s²+1। देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये है x+1 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखो 2 (s+1) +1 / s+1 का होल स्क्वायर +1, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं है ना, ठीक है। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 / s² दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस टी, दिस इज साइन टी, राइट। कोई दिक्कत, अब आप इसको अलग अलग कर दो, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ जाएगा 2 / s+1 / s+1 का होल स्क्वायर +1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 / s+1 का होल स्क्वायर +1, सॉल्व कर दीजिए। सो इट इज कमिंग आउट टू बी -cos t +sin t। बस ये क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाया हुआ है, राइट, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाया हुआ, तो एस प्लस वन नहीं होता तो ये क्या इसका फॉर्मुला होता, 2 / 2 कॉमन होता तो 1 / s+1 का होल स्क्वायर +1, सो इट इज नथिंग बट sin t का फॉर्मुला है, तो इट इज +e की पावर -t sin t। दूसरे में चलिए,
दूसरे में सिमिलरली यहाँ पे 2s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में a भी वही है। अच्छा नहीं, ये वाले में नहीं, इस वाले कर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अच्छी ध्यान नहीं दी, दो टर्मिनोलॉजी एक जैसी दिख रही है। यहाँ पे s+1 है तो s अपॉन में s² + a² cos t का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे जाएगा इसलिए 2e−t cos t, और अगले वाले का आ जाएगा t sin t। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्लियर है चीज? किसी भी तरह का कोई डाउट किसी को? क्लियर है? सो कर लोगे अगर क्वेश्चन आ गया गेट में आपको, तो आप चाहो तो लाप्लास की मदद से भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है? कोई भी डाउट? चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो इसी में आगे बढ़ेंगे और एक और सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ही साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास क्या है? अब मान लेते हैं आपके पास दो सॉल्यूशन है, इसका एक ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ। मान लेते हैं आपके पास dx+dt+y=0 दिया है एंड dy/dt-x=0 दिया है। कंडीशन दिया x@0=1 एंड y@0=0। चलिए सॉल्यूशन करना है लाप्लास की मदद से कर लेते हैं। सो दिस इज समथिंग बट x′t + y=0 एंड दिस इज व्हाट y′t − x=0, दोनों का लाप्लास ले लीजिए। सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट, तो ये हो जाएगा s x̄ − x(0) + ȳ=0। दूसरे वाले के लिए अगर आप लिखोगे तो dy′t है तो s ȳ−y(0) + x̄=0। दोनों वैल्यू पुट अप करो, s 01 है, y 0 भी 1, y 0 0 है, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू पुट अप किया तो x(x̄−x₀1 है −1 + y₀=0। दूसरा मिल रहा है आपको s y₀ + x₀=0। सो इन दोनों का आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। सो आप लिख सकते हो इसको s x̄ + y₀=1 एंड x̄ + s y₀=0। सॉल्व करिए, यहाँ से मुझे बताइए x₀ कितना आ रहा है? x₀ आपका यहाँ से आ जाएगा, अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करें, x₀ आ रहा है s/s² + 1। चाहे सॉल्व कर दीजिए आप, दोनों में s से मल्टीप्लाई करिए, इसमें s से मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए, तो s² + 1 x̄ = s। सो x₀ क्या आ गया आपका यहाँ से s/s² + 1। सिमिलरली y₀ निकालना है, सिमिलरली y₀ = क्या हो जाएगा? y₀ आपको हो जाएगा 1/s² + 1। तो देखिए, तो लाप्लास ऑफ x₀ कर दीजिए, तो x= l·1s²+1। सो इट इज नथिंग बट कॉस टी, सो x=cos t आ गया। सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ y₀ कर दीजिए, इट इक्वल टू वाई लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²+1, इट इक्वल टू sin t। सो देखिए, जो सॉल्यूशन आपको निकालने में पहले 15 से 20 मिनट लग रहे थे, अगर आप पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन गेट में, तो आपको क्या करेगा, कंडीशन दे देगा। तो आप चाहो तो लाप्लास की मदद से भी विद इन सेकेंड्स अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। क्लियर है चीज? कर लोगे? ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग लाप्लास निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपको लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आया तो उसके लिए शॉर्टकट देखते हैं। सो शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास, आज की लास्ट टॉपिक, कैलकुलस की भी लास्ट टॉपिक। शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास, मेथड का नाम है हीवीसाइड्स फॉर्मूला, और हीवीसाइड्स, ध्यान रखेंगे ये जो शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के फंक्शंस के लिए काम करेगा, इसमें आपका फंक्शन fs/gs का फॉर्म, ठीक है? तो देखना क्या है इसमें, आपको क्या कंडीशन क्या होती है, इफ इफ डिग्री ऑफ fs इज लेस देन डिग्री ऑफ
जीएस ये हेविसाइड्स बोलता है, अगर ऐसा है एंड अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट डॉट अल्फा एन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन जी एस बराबर जीरो, देयर फोर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बाई जी एस, अगर ऐसा क्वेश्चन आया गेट में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एफ अल्फा आई अपॉन में जी डैश अल्फा आई इंटू ई की पावर अल्फा आई टी। इफ डायरेक्ट आपके पास तरीका है बिना पार्सल फ्रैक्शन को यूज किए भी आप ऐसे करके सोल्यूशन निकाल सकते हो, बट कंडीशन होनी चाहिए वहां पे कि एफ एस की जो डिग्री है वो जी एस से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s² प्लस 5s-4 अपॉन में s³ प्लस s² -2s। आपने देखा दोनों की डिग्री कम है एफ एस की डिग्री, सो ही वी साइड फॉर्मूला लगा सकते हैं सिंस डिग्री ऑफ एफ एस इक्वल टू 2 इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस दैट इज 3। तो अब क्या करना है, जी एस इक्वल टू 0 लिखना है पहले, रूट्स निकालिए। चलिए तो ये हो जाएगा s³ प्लस s² - 2s बराबर जीरो, तो s कॉमन s² प्लस s-2 बराबर 0, तो हो गया s s+2 s-1 बराबर 0, तो रूट्स आ गए आपके α1 0 α2 2 एंड α3 1 हो गया, ये -2 होगा, रूट्स आ गए। आपको जी डैश एस भी चाहिए तो जी डैश एस क्या हो जाएगा 3s² प्लस 2s-2। सो फॉर्मूला क्या कहता है, देयर फोर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बाई जी एस, अब यहाँ पे हमारे पास तीन रूट है तो 3 बार सम होगा, सो एफ अल्फा वन अपॉन में जी डैश अल्फा वन ई की पावर अल्फा वन टी एफ अल्फा टू जी डैश अल्फा टू ई की पावर अल्फा टू टी एफ अल्फा थ्री जी डैश अल्फा थ्री ई की पावर अल्फा थ्री टी। चलिए एफ अल्फा वन आपने 0 माना है तो -4 डिवाइडेड बाई जी डैश अल्फा वन क्या हो जाएगा -2 ई की पावर 0 टी, प्लस आपने अल्फा टू को -2 माना है राइट, तो -2 का पुट अप करो वहाँ पे, सो -2 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 फोर 2 जा 8 एट एट और ये हो जाएगा आपका 8 हो गया -10 माइनस ठीक है -10 -4 -16 माइनस नहीं -14 2 2 जा 4 2 जा 8 दैट इज कमिंग आउट टू -6। और नीचे आएगा आपका सिमिलरली आपने -2 पुट अप किया 2 2 जा 4 2 जा 12 12 12 12 ये हो गया और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -6 माइनस तो ये नीचे आ रहा 6 ई की पावर -2t प्लस अभी आपने लिया 1 1 में रखोगे तो 2 प्लस 5 7 7 -4 3 तो यहाँ ऊपर तो हो गया 3 डिवाइड बाई जी डैश में रखिए 1 3 प्लस 2 5 5 -2 अगेन आ गया 3 ई की पावर टी। सो फाइनल आंसर इज सो ये फाइनल आंसर इज सिंपल सा आंसर देखिए आया 2 प्लस 2 प्लस इसको माइनस आ रहा है तो माइनस कर लो, सो 2 माइनस ई की पावर -2t प्लस ई की पावर टी इज योर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने विदिन सेकेंड्स ही भी साइड फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया। वहीं अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते तो आप क्या करते हैं, पहले आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते फिर आप इनवर्स लाप्लास लगाते राइट, तो ही भी साइड फॉर्मूले से आप इस तरीके से बहुत ईजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है दूसरा इस टॉपिक पे, लाप्लास इनवर्स आपको निकालना है s-1 अपॉन में s² प्लस 3s+2। सोल्यूशन आपने देखा सिंस डिग्री ऑफ एफ एस इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एस, तो ही सेट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, सो आपको क्या करना है जी एस इक्वल टू 0 रखना है, जी एस क्या है s² प्लस 3s+2 बराबर 0, तो ये हो गया s+2 इंटू s+1 इक्वल टू 0, सो s इज इक्वल टू -2 -1। अच्छा आपको जी डैश एस भी चाहिए तो जी डैश एस आपने निकाला, जी डैश हो जाएगा 2s+3, सो अकॉर्डिंग टू हेविसाइड्स फॉर्मूला
लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बाई जी एस, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, पहला आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा वन अपॉन में जी ऑफ अल्फा वन ई की पावर अल्फा वन टी प्लस एफ ऑफ अल्फा टू जी डैश ऑफ अल्फा टू ई की पावर अल्फा टू टी। अब अल्फा वन हमने माना माइनस टू को मान लेते हैं, और अल्फा टू मान लिया मैंने माइनस वन को, ये पुट अप करिए। सो सबसे पहले माइनस टू पुट अप करिए, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पुट अप करिए माइनस टू 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 माइनस फोर, माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन ई की पावर माइनस टू टी प्लस, अब यहाँ पे पुट अप करिए माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, ये पुट अप करिए माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस प्लस वन ई की पावर माइनस टी। सो आई आंसर इज नथिंग आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट टू बी थ्री ई की पावर माइनस टू टी माइनस टू ई की पावर माइनस टी। सो इस तरीके से आप हीवीसाइड फॉर्मूले की मदद से किसी भी फंक्शन जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उनको शॉर्टकट की मदद से भी आप लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हो। क्लियर है, जहाँ पे आपका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसका डिग्री इससे कम होना चाहिए, तो आपको रूट्स निकालना है, और जितने रूट्स हैं उन सभी का सम इस फॉर्मूले की मदद से कर देना है। क्लियर है? सो इसी के साथ आपका जो कैलकुलस का पूरा सिलेबस था वो आज खत्म होता है, जिसमें हमने आपका कैलकुलस में आपका सारी चीज़ें पढ़ी। आपका स्टार्ट किया था मैंने लिमिट्स से, लिमिट्स पढ़ाई, फिर आपने मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई, डिफरेंशिबिलिटी पढ़ाई, डिफरेंशिबिलिटी पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको आपका डिफरेंशिबिलिटी खत्म करने के बाद फिर मैंने आपको डिफरेंशिबिलिटी खत्म करने के बाद फिर मैंने आपका इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा कराया है मैंने आपको, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस, उनका सोल्यूशन फिर मैंने आपको कराया। उसके बाद आपको अगर मैं ओवरव्यू में देखूँ तो वेक्टर कैलकुलस में आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स क्या होते हैं उसका बेसिक्स, फिर आपका क्या नाम वेक्टर इंटीग्रेशन उनके थ्योरम से स्टोक्स गॉस और वो, फिर मैंने आप गॉस और ग्रीन्स थ्योरम, उसके बाद फिर मैंने आपको कराया है फूरियर सीरीज, फिर मैंने आपको लाप्लास पढ़ाया, लाप्लास में आपको लाप्लास कैसे निकालते हैं, इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, और आज की क्लास में मैंने आपको फाइनली बाइंड अप किया है जो मैंने आपको टॉपिक छोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपने देखा कि नॉर्मल मेथड से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, आर्बिट्री सोल्यूशन नहीं, ना ही जनरल सोल्यूशन मिलेगा, सीधे आपको क्या मिल जाएगा, आपको बिना आर्बिट्री कांस्टेंट और उसकी मदद से ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इसको नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो, चलो एक नोट करा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स द सोल्यूशन प्रोवाइड्स द सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा, वो भी कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन विदाउट फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन एंड दी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है? सो आपके नेक्स्ट क्लास से मैं आपका जो गिट का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। और किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट दे सकता है, अपने क्वेरी को दे सकता है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।